निब्बा निब्बी व्लॉग्स, जहां पे आपको मिलते हैं दो बच्चे जिन्होंने पढ़ाई करने से पहले शादी कर ली और जिनमें दिमाग आने से पहले उनके घर में एक बच्चा आ गया। अच्छा। और मुझे आप लोगों ने दो निब्बा निब्बी भेजे, तो चलिए आज दोनों की बात होगी। तो पहले इनसे मिलिए, ये है सनी रितिका, मतलब सनी और रितिका। कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ दीदी, ठीक है ना? नहीं है कुछ भी बेचारे की दाढ़ी पर, तो ऐसे दाढ़ी शेमिंग करना जरूरी है क्या आपने निब्बा पति देव की? कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है तो आगे तुम्हारे। अच्छा ओली लिली, तो रोमांटिक है, फनी नहीं है। सॉरी माय वेट। तो ये है सनी और रितिका, जो कि सब कुछ साथ में करते हैं, जैसे कि खाना, फिसल गया, ये क्या हुआ मुझे, मेरा जहां बदल गया। आधा बिस्कुट गिरा दिया अपनी ये लेंडी हरकतों के चक्कर में। वीडियो बनाना, किसी भी गली में जाऊं मैं तेरी खुशबू से टकराऊं मैं। खुशबू से टकराओ ना टकराओ दीदी, तुम अपनी इस लचीली चिंगम से ही टकरा जाओगी जितने तुम लोग आपस में घुसते रहते हो। आई नो इट्स नॉट ट्रेंडिंग बट मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। अरे थांबा दीदी, इतनी देर में तो गोच नामक कीड़ा भी छोड़ देता है, तुम तो लगता है उसकी खुशबू से टकरा के ही मानोगी आज। हाँ जी, तो इनका जो सबसे बड़ा टैलेंट है इनके हिसाब से, जो कि इनके बायो में लिखा है, वो है 100% रिप्लाई। दूसरी आईडी देखते हैं, दूसरी आईडी। अरे रिप्लाई देना टैलेंट नहीं है मेरे बच्चों, ना नको बिल्कुल नहीं। और अगर रिप्लाई देना टैलेंट है ना, तो मेरी मम्मी तो इस टैलेंट में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि अगर मैं उनको कुछ भी बोल दूं तो इतनी तेज रिप्लाई देती है, वो भी फ्लाइंग बेलन के साथ, और वो भी सेवेज रिप्लाई। पर मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मैं जब रोता हूं तो वो मुझे चुप कर देती है। सनी के केस में सीन थोड़ा अलग है, वो वीडियो बनाता है। जाने मैंने लिया, तू ही मेरा मीत का तो नहीं पता, पर जैसे वो रो रही है, तूने अगर एक और रील बनाई ना, तो आज रात के खाने में सनी भुर्जी विद एक्स्ट्रा मिर्ची बनने वाली है। और वैसे भी ये लव मैरिज के तोते जब तक ये अच्छे लगते हैं दोस्तों, जब तक आपके जेब में हरा मनी है, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता आपका नाम सनी है या हनी है। और इतने ज्यादा टैलेंटेड होने के साथ साथ इन लोगों को बाकी निब्बा निब्बियों की तरह बहुत ज्यादा ऑब्सेशन भी है प्रेगनेंसी चेक करने वाले यंत्र से। ये बाली सी उम्र में बाल विवाह करके जीवन बर्बाद करने के बाद तुम्हें पढ़ाई और बुद्धि की नीड होनी चाहिए, ना कि बच्चों की। और दोस्तों इनके व्लॉग तो रीजनल लैंग्वेज में थे, तो वो तो मुझे समझ नहीं आया, पर एक चीज जरूर समझ आ गई कि इन लोगों के घर में पुट्टी और पेंट भले ही नहीं है, पर बंदे के हाथ में आईफोन जरूर है। दोस्तों वो टाइम क्या है जब इंसान को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए होता था, आज के समय में उसे चाहिए वोटी मतलब बीवी, बच्चा मतलब कंटेंट, और आईफोन मतलब दिखावा। और अब जब आईफोन ले ही लिया है तो रिंग लाइट तो लेनी ही पड़ेगी। रब्बा ने तुझको बनाने में। अरे ये निब्बा निब्बियों के पतियों के दिमाग में क्या चाय पत्ती भरी होती है, उसको इतना भी समझ नहीं आ रहा कि भाई वो प्रेग्नेंट है, उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तेरी वीडियो में आने में। और इससे भी ज्यादा सोचने वाली बात यह कि पीछे एक और रिंग लाइट रखी है, और उससे भी ज्यादा सोचने वाली बात यह कि इस वीडियो पे 1 मिलियन लाइक है। और इन सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि दोस्तों इनके भी कुछ दिन में मिलियन हो जाएंगे, पर मेरे वो कभी भी नहीं होंगे। तो प्लीज जाके सपोर्ट करें, आप चाहें तो आज के आज मेरे मिलियन करवा सकते हैं। ये रही आईडी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जल्दी से जाओ और फॉलो करके प्लीज मिलियन करवाओ। बहुत से लोग इनके कमेंट में बोलते हैं कि लड़की जो है वो सुंदर नहीं है, लड़का बहुत ज्यादा सुंदर है। तो उन लोगों की गलतफहमी दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि लड़का लगाता है अपनी वीडियो पे 25,000 फिल्टर, तो देख लो असली खूबसूरती। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। ये कहते हैं फिल्टर लगाने से बेटर है कि अपनी स्किन की केयर करो। और ये लोग जिस उम्र में इंसान को ABCDE करना चाहिए, ये लोग AGOG कर रहे हैं। और भले ही मेरे पास अभी AGOG नहीं है, पर मुझे भी फ्यूचर में तो चाहिए ना, तो उसके लिए मुझे अपनी स्किन का ख्याल रखना पड़ता है। और मैं अपने फेस के लिए यूज करता हूँ वाव का विटामिन सी रेंज। इसमें आपको मिलता है वाव का 20% विटामिन सी फेस सीरम। यह आपकी स्किन को हाइड्रेट एंड रिपेयर करता है, एंड बूस्ट करता है कोलेजन एंड इलास्टिन, स्मूथ करता है आपकी फाइन लाइंस को, एंड साथ में इंप्रूव करता है स्किन ल्यूमिनोसिटी। ये है विटामिन सी स्किन मिस्ट टोनर। यह आपको ऑफर करता है ड्यूअल बेनिफिट ऑफ मिस्ट एंड टोनर, एंड डिलीवर करता है इंस्टेंट मॉइस्चर टू डिहाइड्रेटेड स्किन। एंड यह है स्किन रिवाइविंग फेस वॉश, जो कि हेल्प करता है आपकी डल स्किन को रिफ्रेश करने में, एंड एक्सेस सीबम को चेक में रखता है। एंड बेस्ट थिंग इसमें है बिल्ट इन फेस ब्रश,
जिसमें सिलिकॉन ब्रिसल्स हैं, जो कि आपके फेस को डीप क्लींसिंग देता है सरफेस पर एंड पोर्स को क्लियर आउट करता है एंड इट मेक्स मी फील वाओ फ्रॉम विद इन। एंड हाँ, ये प्यारा विटामिन सी फेस क्रीम जो कि आपकी स्किन पर हुए एनवायरमेंटल एक्सपोजर के डैमेज को रिपेयर करता है। एंड इस क्रीम में है फैटी एसिड रिच शिया एंड कोकोआ बटर जो कि आपकी स्किन के नेचुरल सीबम लेयर को सपोर्ट करती है एंड साथ में आपके स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करती है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके ऑर्डर करें एंड बी वाओ नेचुरली। सो दोस्तों, अब बात करेंगे दूसरे निब्बा निब्बी कपल की। इनका नाम है क्यूट कपल ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का क्यूट कपल ब्लॉग में। उली ली ली ली, बहुत क्यूट हो तुम। ए, हम लोग मैरिज कर लिए हैं जो कि हम लोग का अरेंज मैरिज। पहले लव बोलते बन नहीं रहा पर कर लिया। आजकल तो लव पॉटी जैसा हो गया है कि मन हुआ और जाके कर लिया। और एक चीज नोटिस की दोस्तों कि इन लोगों के भी घर में पुट्टी और पेंट नहीं है दीवालों पे, पर इनके पास भी रिंग लाइट और ग्रीन स्क्रीन बराबर है। वाह रे क्यूट कपलों। और दोस्तों, सबसे ज्यादा सोचने वाली बात तो ये है कि ना जाने कब वो जंग छिड़ जाए कि जब सुनील और गुड़िया और राजू रोशनी इन दोनों में कि आखिर कौन है क्यूट कपल। स्वागत है आप सभी का हमें क्यूट कपल। अरे हमें क्यूट कपल, हमारे बच्चे भी क्यूट कपल, हमें क्यूट कपल। अरे मैं हूँ असली क्यूट कपल, मैं और डोरेमोन एंड शिनचैन के पुराने एपिसोड्स। एक तरफ यहाँ पे मेरी मम्मी मुझे ताना देना नहीं छोड़ रही है कि इतना बड़ा घोड़ा हो गया 24 साल का पर कार्टून देखना नहीं छोड़ रहा, और एक तरफ ये फसल सी उगी हुई है इंटरनेट पे क्यूट कपलों की। एक ढूंढने जाओगे तो 50 मिल जाएंगे। और इस 50 में से जब पूछा कि आखिर बाल विवाह किया क्यों, तो रीजन सुनो। ये एज ही होता है दोस्तों, मतलब यहाँ पे दोस्तों माइंड गड़बड़ा जाता है, पढ़ाई लिखाई की वजह ज़्यादा फोकस कहीं और पे चला जाता है। लेकिन ये मतलब एज ही होता है, जैसे कि दोस्तों गर्मी के दिन में प्यास लगना एक आम बात हो जाती है। अरे तो उसके लिए दूसरे की मटकी फोड़कर पानी थोड़ा ना पीते हैं। हर चीज का सही तरीका है, सही समय है, इंतजार करो। हाँ, इनका हाथ में मांगा था कि आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और हम इन्हीं के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, बट इनको मम्मी नहीं मानी और हम नहीं चाहते थे कि मेरी वजह से इनको मम्मी को दुख हो, लेकिन इनको मम्मी मतलब नहीं मानी। यही के चलते दोस्तों हम ये सब कदम उठाएं, कम उम्र में शादी कर लिए। ये कैसी बातें कर रहा है ये अनजानता था? ये भाई तू पूछने गया ही क्यों था जब तुझे परमिशन से मतलब ही नहीं था? उन्होंने मना कर दिया तो ये कदम उठाना पड़ा। क्यों मानेगी वो बाल विवाह के लिए? तुम में बुद्धि नहीं है, उन बिचारी एंटी में तो है। 2017 में हम लोग शादी किए हैं जो कि लव मैरिज, और हमारा बरस उम्र हो रहा है कम से कम 21 वर्ष हो रहा है। 2017 में शादी की थी, अभी 21 साल का है। मतलब तू 17 साल का था जब हाथ मांगने गया था। हाँ सही बात है, क्यों मना कर दिया है? ये जब गया था 17 साल का उनकी 15 साल की निब्बी के लिए रिश्ता मांगने, तो आंटी को ये बोलना था, अरे 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 17 साल के निब्बे दमाद जी आए हैं 10th फेल करके, इनके लिए टीवी पे कार्टून लगाया जाए। तो हमारा एज तो हो चुका है और इनका 19 हो रहा है। 19? अच्छा ओके। पर सोचने वाली बात तो ये है मेरे ततैये कि वो बिचारी इतनी सी बच्ची और वो एक बच्चे की माँ है। जी हाँ, बाल विवाह और ऊपर से एक बच्चा भी है इन बच्चों के पास, बेबियों का खुद का बेबी। दोस्तों यही हमारी चिक्कू जो कि मेरी बेबी है। और अब जब पूछा कि शादी के टाइम तो दिमाग नहीं था, बेबी क्यों किया? क्योंकि हम घर पर अकेले रहते हैं, बाकी सब काम करने चले जाते हैं तो अकेले मन नहीं लगता है, तो चिक्कू से ही हम मन लगाते हैं। ओहो, मन नहीं लग रहा था तो चीकू पैदा करना पड़ा। भाई मन के भरोसे मत रहो, मन का कोई भरोसा नहीं है, पता लगा तुम मन के चक्कर में। अभी तो चीकू हुआ है, फिर संतरा मौसमी अनार भजिया केला ना जाने क्या क्या है, तुम पूरी बगिया पैदा कर लो इतनी सी उम्र में। ये बताना चाहूँगा कि ये बेटा है जो कि जन्म लिए है, तो अभी यहीं पे है। ये बेटा है और एक चीकू, यानी कि दो मेरे बच्चे हो गए हैं। दूसरा बेबी भी है। मैंने बोला था कि चीकू पे रुक जाओ, अब ना जाने इस फलों की डलिया में कौन सा फल आके गिरा है। एक चीकू बड़ी है और ये छोटा हो गया। उसको क्या छोटा बोल रहा है भाई, तू भी छोटा ही है, देख ले बच्चों से कुछ 10-15 साल ही बड़ा होगा तू। और हर चीज ये समय से पहले करने का ना जाने क्या कीड़ा है। इस उतावले को पेड़ पे चढ़ के कच्चा फल खाना पसंद है, नीचे बैठ के इंतजार नहीं कर सकता कि फल पकेगा फिर गिरेगा फिर खा लेना यार। ऑपरेशन हो रहे थे तो आपको पता चल रहा था कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि अगर कम एज में लव मैरिज करने से, एक तो कम एज था उसके बाद बच्चे हुए, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि ऑपरेट ही होगा। इसलिए दोस्तों कम एज में बच्चे करना मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, और इनको थोड़ा सा अति करने के बाद मुझे पता चला कि नॉर्मल डिलीवरी जो कि कम एज में होना बहुत ही मुश्किल है। जब इतना दिमाग था भाई तेरे में, जब इतना ज्यादा समझदार था तू, तो किया ही क्यों सितम उस बिचारी छोटी सी बालक पर? इतनी सी उम्र में, 20 साल की उम्र में दो बालक हैं उस बिचारी के। इस उम्र में इंसान को उसके पेरेंट्स दो खिलौने नहीं दिलाते एक साथ, उस बिचारी बच्ची के पास दो बालक हैं खुद के। ये भी बता दे कि ये क्यों किया, बढ़िया ही रीजन होगा। गुड़िया जी इंजेक्शन भी ले रहे थे, दवा भी खा रहे थे, उसके बाद में भी घर में बच्चा रह गया, यानी कि दोस्तों घर में भ्रूण रह गया,
तो दोस्तों हम लोग तो भ्रूण हत्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों घर में गुलेज के घर में भ्रूण रह गया है। रह गया का क्या मतलब है भाई? तू आज भी उसी बचपन की कहानी पे भरोसा कर रहा है क्या कि भगवान आते हैं ऊपर से गोद में बच्चा दे जाते हैं? नहीं भाई, सब इंसान अपनी मर्जी से करता है। इसीलिए कहते हैं बाल विवाह करने से पहले पढ़ाई कर लेनी चाहिए, ना दुनिया की नॉलेज है ना दुनियादारी की। ये भगवान का आशीर्वाद बोल बोल के क्रिकेट टीम खड़ी कर देगा। प्लीज भाई तू जा और किसी समझदार इंसान से इस बारे में डिस्कस कर, और अपनी बीवी को और इंजेक्शन और गोलियां मत खिलवा वरना उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। और आप लोग भी देख रहे हो, कोई इसको हेट मत देना, कमेंट अगर करो तो सिर्फ अच्छे करना कि भाई प्लीज किसी समझदार इंसान से जाके बात कर, ये सब गलत है। और इससे भी बढ़िया आप एक काम कर सकते हो कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, 2 मिलियन होने वाले, कुछ 9-10 हज़ार दूर है हम, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, फेवरेट पार्ट कमेंट करो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय। अच्छा क्या बोल रहे हो, स्किन चमकानी, स्किन क्यों नहीं चमक रही? अरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना वाओ का, बताया देता विटामिन सी रेंज मस्त है। मम्मी घर पे चीकू है क्या? मुझे दे दो, मैं बोर हो रहा हूँ। क्या मतलब चीकू जैसी शक्ल के पढ़ाई कर ले?